अब ये जबरदस्ती क्यों हो रहा है ना, जबरदस्ती के पता है ट्रैफिक है आगे कहाँ उड़ के थोड़ी जाएगा, लेकिन जबरदस्ती हो रन दिए जा रहा है। ना जा रहे हैं ना जा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो सेकंड डे सेकंड वीडियो है, तो मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ 30 दिन के 30 वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए आज है सेकंड वीडियो। कल बनाया था लेकिन दिक्कत ये है कि कल वीडियो हो सकता है माइक की दिक्कत हो, तो आज सेकंड डे है सेकंड वीडियो है। आज का सेकंड वीडियो में देखते हैं क्या क्या होता है, कितने मूर्ख मिलते हैं ड्राइविंग करते हुए यार। तो अगर ओला की कुछ और बात करनी है या कर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता सकता है। और लगभग सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं और जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बना दूंगा। जो कल कई चीज़ों की कटौती कर दी है पर कई चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। तो बेल्ट तो पहले जो जनरेशन वन था उसमें कवर्ड था। वाओ अंकल ने क्या क्या ही बोले इनको यार, ना कोई आ रहा है जा रहा देखे भी नहीं, पैसे तो थूकने लग जाते हैं। तो जो बेल्ट है वो पहले कवर्ड आता था जनरेशन वन में, जनरेशन टू के अंदर वो चीज़ क्या है कि ओपन कर दिए क्योंकि फ्रेम डबल साइड कर दिया है। पहले सिंगल साइड कनेक्टिविटी थी, एक साइड से कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है टायर में, एक मतलब बेल्ट भी एक साइड ही है, उसी साइड इस ब्रेक प्लेट वगैरह सब एक साइड में। लेकिन दूसरी अब की बार जो जनरेशन टू है उसमें क्या करा है कि फ्रेम दिया है जिसमें दोनों साइड है, तो एक साइड इस ब्रेक प्लेट वगैरह और एक साइड में बेल्ट्स हैं। बंद कई होते हैं जो परेशान करने के चक्कर में वो बेल्ट वेल्ट काट दे तो तगड़ा नुकसान हो सकता है, इट्स वेरी रिस्की। जहाँ तक मुझे लगता बहुत ईजिली कर सकता है एक ब्लेड से या किसी भी चीज़ से, एक बार ही मारना है वो दो टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो मोटा नुकसान हो सकता है उस चीज़ का। दूसरी चीज़ जो जनरेशन वन टू में ये है कि वन में जो बीच की ये चीज़ है, बीच में एक ब्लॉक है जिससे आप कुछ भी चीज़ रखने में दिक्कत आती है फ्रंट में, बट वो जनरेशन वन में नहीं है, वो टू में नहीं है, टू में फ्लैट कर दिया है नीचे से, तो वो चीज़ अच्छी कर दी है। पीछे बैक रेस्ट दे दिया है वो भी ठीक है, नहीं तो आपको जनरेशन वन में तो खुद लगाना पड़ता है। कई फ़ायदे हैं कई नुकसान भी है, कई चीज़ें मूव फोर आया है उसमें कई प्रॉब्लम्स आ रही है, भी तो बीटा वर्जन ही है। जनरेशन वन से ज़्यादा सही है सेकंड में, पर कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो नुकसान करती है प्रॉब्लम्स दे सकती है जनरेशन टू में, जैसे मैंने बताया बेल्ट है, ऐसी कई चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली बात है आपको पता होगा जिन इनमें डबल स्टैंड आता नहीं है तो आपको कई चीज़ें तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम करती है। डबल स्टैंड काम आता है कई जगह पर स्ट्रेट खड़ी करने की, क्योंकि अगर आप हैंडल इनके जो साइड स्टैंड आते हैं वो थोड़े से लूज टाइप भी हैं कई जगह प्रॉब्लम हैं, तो जैसे आप स्टैंड लगाते हो या आपका हैंडल दूसरी साइड होता है राइट साइड में होता है तो वो मूव करके आगे बढ़ जाती गाड़ी, मतलब हल्के साथ टच करते भी या अपने आप भी तो उससे गिर जाए और फिर उसके पैनियर पैनल्स वगैरह टूट जाए तो नुकसान है। और भी एक वीडियो बना रखा है मैंने प्रॉपर कि उनमें क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं और क्या क्या नहीं किए हुए हैं, क्या क्या हैं क्या क्या नहीं है, पूरा लास्ट सॉफ्टवेयर क्या था नया क्या था, हिल असिस्ट वगैरह है इसमें अब अपडेट कर दिया मूव फोन में, पहले नहीं था। पहले लेकिन एक चीज़ थी कि डिस्क ब्रेक जो अपन ब्रेक पैड है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ब्रेक पैड घिस जाते थे ना तो उसकी नोटिफिकेशन थी पहले जनरेशन वन में आती थी, सेंसर था, लेकिन अब वो भी हटा दिया। अब तो आपकी गाड़ी का आपको ही पता करना है कि ब्रेक पैड घिस रहे कि नहीं घिस रहे, ब्रेक पैड पर भी वीडियोस बना रखे हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर किसी को पूछना है तो बता सकता है, मैं ओल्ड डिजाइन में वीडियोस अलग अलग बना दूंगा, मैंने चेंज करना होना मतलब लगभग सारे वीडियो बना रखे जिससे आप सही से पैसा बचा सकें। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो ओला में हैं, नई गाड़ियाँ जो अल्टरनेटिव है जैसे सामने वीडा जा रही है, ओवरऑल प्राइस मतलब अगर देखी जाए तो प्राइस गेल थोड़ी ओवर है, पर हाँ हो सकता है कि अगर वैसे अगर टेक्निकल इश्यूज़ में है या प्रॉब्लम्स कम है, मैंने सुनी नहीं है कईयों से जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, बट हाँ यह है कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है उसकी रेंज तो बहुत कम है। ज़्यादा फायदा एक ही चीज़ है कि वीडा की चार्जिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, अब कंपेयर तो काय करे ओला के तो है ही नहीं, ना के जहाँ पे इन्होंने सर्विस सेंटर और शोरूम्स खोल रखे हैं ना सिर्फ वहाँ ही हैं, उसके अलावा तो है ही नहीं कहीं। अब ये
जबरदस्ती के होरन है, जबरदस्ती के पता है ट्रैफिक है आगे कहाँ उड़ के थोड़ी जाएगा, लेकिन जबरदस्ती होरन दिए जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते अपने तो इनमें दिमाग होना चाहिए ना। देखो कंटिन्यू होंकिंग कर रहा है, कंटिन्यू शायद इनके होड़ लग रही है। हाँ दोनों लेवल है कि मैं इससे आगे चल जाऊँ और मैं और उठा लूँ। तो गाइस फ्री हो चुका है कोचिंग से और अब जा रहे हैं घर पे। मैं एक चीज़ और बता रहा था कि आगे का जो शोकर है वो भी एक सिंगल है जो जनरेशन वन में है और जनरेशन टू में डबल कर दिए वो, क्योंकि कई बहुत से केसेस आए, बहुत ज़्यादा केसेस आए कि ज़्यादा झटके से या कोई ब्रेकर पे से कुदाने से मतलब जिससे इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे शोकर आगे का जो पैनल है बीच में से क्रिच करके टूट जाती है। जनरेशन टू में एक चीज़ ये कर दी कि डबल शोकर कर दिए जिससे क्या है कि वो इम्पैक्ट ना हो। हाँ वो सही है, मेरे पास झटके आए हैं लेकिन अभी तक सही है, मेरे पास दिक्कत नहीं आई, पर ज़्यादातर के पास आई है कईयों के पास। और जनरेटर टू में वो डबल शोकर से क्या थोड़ी सेफ्टी अच्छी होगी, कई चीज़ें तो सेफ्टी को देख करके करें। डबल शोकर थोड़ा पहले यूनिक यही था कि इतना मजबूत ही नहीं दे रहे थे, वैसे तो कईयों की चेंज भी करें जिनके पास सिंगल है, जैसे कईयों में पैनल तो उसको थोड़ा और भारी मटेरियल लगा के उसको चेंज कराएं, लेकिन उसके लिए बहुत बुकिंग है, मेरे ऊपर नंबर स्लॉट ही खाली नहीं मिला है जब भी बुक करके गाऊँ। तो अगर किसी का है तो चेंज करवा सकता है, ऐप में जा कर के उसको चेक कर ले और उसको फ्री में चेंज करवा सकता हो तो फ्री थी, बट स्लॉट ही खाली नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ ये कि जो अब नई वाली आ रही है उसमें तो फिर उन्होंने रिप्लेस करके डबल शोकर कर ही दिए, लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे ज़्यादा झटका आता है ना तो पीछे के शोकर धप धप भिड़ते हैं, तो थोड़ा पीछे के शोकर भी थोड़े सही हो गए हों, हो सकता है जनरेशन टू में, फर्स्ट में ठीक नहीं है। मैंने एक दो पिक्चर देखी है वीडियोज़ जिसमें कही होगी शोकर डिग्गी से तोड़ के बाहर निकल गए, तो ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को अपग्रेड किया है, पर अभी भी टेक्निकल इश्यूज हैं या और जो एक्सपेंसेस को लेकर के हैं वो चीज़ें बहुत सारी है, महंगी पड़ती है वो, लगी ब्रेक पैड वगैरह हैं, कई पार्ट्स बदलाने हैं, बहुत रमान है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक में जाना है तो ओला ले सकते हो, कोई भी स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक सर्विस 1500 रुपये की नहीं होती, और अगर हर दो तीन तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और जैसे कि मैंने कहा था कि 30 दिन के 30 वीडियो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता पर हो सकता है मैं 30 दिन के 30 डालूँ। आज सेकंड डे सेकंड वीडियो बना रहा और पूरी कोशिश करूँगा कि 30 दिन के 30 वीडियो तो कम से कम अपलोड करूँ। आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना लेकिन पूरा, इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं ऐसे कोई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।